कोरोना वायरस या कोरोना वायरस या कुछ भी कह लो आप लोग, आपने पिछले 7 दिनों में ये नाम जो है 1000 से भी ज़्यादा बार सुन लिया होगा। और अगर आपने ये नाम अभी तक नहीं सुना ना, सही बता रहा हूँ आपको, दुनियादारी का कुछ भी नहीं पता है। मैं कोरोना वायरस काफ़ी टाइम से वीडियो बनाना चाह रहा था, पिछले 7 दिनों से मैं इसके बारे में चीज़ें पढ़ रहा हूँ, वीडियो देख रहा हूँ, वीडियो बना ही नहीं पा रहा अभी तक। और सही बताओ तो ये यूट्यूब पर इसके ऊपर इतनी स्कैमिंग चीज़ें चल रही है ना, लोगों को बहुत गलत गलत बातें बताई जा रही है यहाँ पे कोरोना वायरस के बारे में। तो ये क्या है कोरोना वायरस? तो सबसे पहले जानते हैं कि ये वायरस क्या होता है। तो वायरस को आप जो एक वायरल समझ लो, ठीक है, आपने देखा होगा कुछ वायरल हो जाता है या कुछ चीज़ वायरल हो गई है या वायरल फीवर हो गया समझ लो। तो वायरल फीवर क्या होता है, एक आदमी से दूसरे आदमी तक बहुत जल्दी स्प्रेड हो जाता है, उसको हम लोग कहते हैं वायरल। वायरस जो है वो बहुत जल्दी स्प्रेड हो जाता है, उसी तरीके से हमारा वायरल फीवर बहुत जल्दी स्प्रेड होता है। लेकिन अभी ये कोरोना वायरस क्या है, अभी ये जो कोरोना वायरस है ये एक्चुअली एक जो हमारे जानवर है उनसे इंसानों में आया है। हालांकि एक चीज़ समझ लो आप लोग, जो इंसानों से आदमियों के अंदर ये अंदर जो वायरस जाता है कभी कभी वर्क नहीं करता है, उससे किसी आदमी को कुछ प्रॉब्लम जो नहीं आती, क्योंकि मतलब जानवर से जो इंसानों के अंदर वायरस नहीं आते ज़्यादातर। लेकिन ये जो कोरोना वायरस है ये एक्चुअली एक नया वायरस है एंड इसकी जो होराइजन वो है बैट। जो हमारा कोरोना वायरस है इसकी जो ओरिजिन है, जहाँ से इसकी शुरुआत हुई है, वो है चमगादड़, जिसको हम लोग बैट भी बोलते हैं। तो ये जो वायरस है ये एक्चुअली चाइना से, चाइना में गुआन करके सिटी है वहाँ से आया है ये। तो इस वायरस के साथ सबसे पहले बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये बहुत ही जल्दी स्प्रेड हो रहा है, मतलब बहुत ही ज़्यादा जल्दी। अगर तुमको कोई कोरोना वायरस है ना, तुमको खुद नहीं पता होगा कि यार मेरे को कोरोना वायरस है, ना ही इतनी जल्दी कोई जान भी पाएगा। जो हमारे टेस्ट हो रहे हैं ना, इससे भी पता नहीं चल रहा है मतलब कि हम लोग को कोरोना वायरस है, क्योंकि इसके जो सिम्टम्स है ना, इसके जो लक्षण इतने जल्दी सामने नहीं आते। अब जब आप इस कोरोना वायरस को दूसरे आदमी तक ट्रांसफ़र कर दोगे, उसके बाद आपको जो है पता चलेगा कि हाँ भाई मेरे को कोरोना वायरस है, अभी काम ख़त्म हो गया, चैप्टर क्लोज। एक और चीज़, ये जो कोरोना वायरस है सर्वे के हिसाब से ये एक आदमी जो है वो 4-5 लोगों तक ही ट्रांसफ़र कर सकता है। अगर आप लोगों को कोरोना वायरस है तो आप लोग सिर्फ 4 या 5 लोगों को ही इन्फेक्ट कर सकते हो। पर अभी एक मेन क्वेश्चन आता है कि ये कोरोना वायरस जो है इसका कोई मेन इलाज है कि नहीं है। तो देखो भाई, असली चीज़ तो ये है कि ये बहुत सारी बीमारी जिसका इलाज अभी तक आया नहीं है, और ये तो एक ऐसा वायरस है जो बिल्कुल नया नया आया है और लोगों ने इसका नाम कोरोना वायरस ऐसे ही रख दिया है। इसका अभी तक कोई ऑफिशियल नेम जो है वो अभी तक नहीं आया है, साइंटिस्ट ने कोई भी नेम डिक्लेयर नहीं किया है। तो एक्चुअली में कोरोना वायरस का कोई भी इलाज नहीं है अब तक। सिंपल समझ लो यार कि इतनी कैंसर जो इतनी पुरानी बीमारी है उसका अभी तक इतना अच्छा इलाज नहीं आया, तो ये एक नया नया वायरस है, इसका क्या आएगा? अब देखो, ये जो कोरोना वायरस है इसके रिलेटेड बहुत बड़ी स्कैमिंग चीज़ ये चल रही है कि यहाँ पर आप अलग अलग फ़ोटो दिखाई जा रही है कि आपको ऐसे 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 हो जाएगा आपको, आपको कोरोना वायरस अगर है तो। बट एक्चुअली सिंपल ऐसा कुछ भी नहीं है। कोरोना वायरस के सिम्टम बहुत ही ईजी है, मतलब वो बिल्कुल एक बुखार के टाइप के जैसे होगा, आपको टाइफॉइड या मलेरिया ऐसे चीज़ें हो, सेम इसके ही सिम्टम्स है कोरोना वायरस में। और सिंपल अगर मैं बोलूँ तो आपको जुकाम हो जाएगा या आपको सर्दी हो जाएगी। देखो, आपको ये कोरोना वायरस है अभी घर बैठे तो नहीं होगा, ये कोरोना वायरस चाइना से स्टार्ट हुआ है। तो अब जो लोग चाइना से इंडिया के अंदर आ रहे, तो दूसरी कंट्रीज में आ रहे हैं ना, तो उन आदमियों से, इन औरतों से, लाइक उन लोगों से आपके अंदर ये कोरोना वायरस आएगा। तो इफ अगर आपका कोई फ्रेंड है जो रिसेंटली चाइना जाकर आया, तो आप सबसे पहले उसका टेस्ट कराइए, देन ही उससे मिलिए। इससे सबसे पहली प्रॉब्लम ये क्या है पता है, एक्चुअली लोगों को पता नहीं कि वो कोरोना वायरस हो गया, इतनी जल्दी बढ़ रहा है ये। मतलब जब आप लोग 4-5 लोगों को ट्रांसफ़र कर दे रहे हो ना, तब आपको पता चलता है हाँ भाई मेरे को कोरोना वायरस है, एंड तब वो इंटरनेट पर अपडेट हो रहा है कि ये भाई 28,000 लोग हो गए जिनको कोरोना वायरस है। लेकिन अब जो कुछ लोग नॉन इन्फेक्टेड लोग हैं जिनको नहीं पता है, जब वो 4-5 लोग को और इन कर दे रहे हैं ना इन्फेक्ट, तब उनको दोबारा से बढ़ रहा है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये वायरस बहुत तेज़ी से फैल बढ़ रहा है, और आगे वाले टाइम में ये पता नहीं यार कितने लोगों को इन्फेक्ट करेगा। तो या गाइस, ये थे मेरा छोटा सा एक्सप्लेनेशन था कोरोना वायरस के बारे में,
और होप यू गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, ना लगे तो यार डिसलाइक करना, पर यार वीडियो को शेयर करना मत भूलना अपने हर एक दोस्त और फैमिली मेंबर से। तो चलिए मैं अगली वीडियो में मिलूंगा ऐसी बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम एंड टेक केयर।